अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज आपकी 27 नवंबर की पूरी कोर्ट अपडेट हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों आज जानेंगे सबसे पहले आज हुआ क्या कोर्ट में, और दोस्तों जानेंगे किसका पलड़ा भारी है, और जाने जज साहब ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, आज जज साहब का कड़ा रुख देखने को मिला है, और दोस्तों आपकी सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर को फिर से लग गई। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक बड़ी खुशखबरी है कि लगातार आपकी सुनवाई हो रही है, तो कल आपकी सुनवाई फिर से दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कल की सुनवाई आपके दोस्तों फिर से 3 बजे से शुरू हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो को तुरंत अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर कोर्ट में अंत तक क्या हुआ, एक एक बात की एक एक पल की अपडेट मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों आज सच में जज साहब का तो कुछ कड़ा ही रुख था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर जज साहब ने कैसे मिश्रा सर से कितने क्वेश्चन पूछे, और इशार सर ने तो दोस्तों लाइन लगा दी है क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपकी सुनवाई शुरू होती है 3:30 बजे के आसपास। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इशार सर का पहला क्रॉस शुरू। जी हाँ दोस्तों, इशार सर ने मतलब जज साहब ने आते क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर दिया कि पिछला कटाप उसी भर्ती के लिए मान्यता इरशाद सर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट कही कि जो आपकी पिछली बार 40-45 कटाप थी वो सिर्फ लास्ट शिक्षक भर्ती के लिए मान्यता, ये पहला क्वेश्चन था। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ देखते हैं कि इरशाद जी आज मिश्रा जी की बातों को पूरी तरह से असहमत। जी हाँ दोस्तों, एक ज्यादा बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट इसको कह सकते हैं कि आज जो इरशाद ये जज साहब है आपका, और ये मिश्रा जी की बातों से असहमति इन्होंने दिखाई। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इरशाद सर ने कहा ये पोस्ट शिक्षा मित्र के लिए रिजर्व कर दे क्या। तो दोस्तों आप समझ रहे ना कि किस लहजे में कहा होगा, कि आपने ये नहीं सोचे कि बहुत ही प्यार से कहा होगा कि ये पोस्ट शिक्षा मित्र के लिए रिजर्व कर दे क्या। उसके बाद दोस्तों क्या होता है देखते हैं। उसके बाद दोस्तों वेटेज टेबल पर फिर सपोज का सहारा लेकर समझाते हुए मिश्रा जी। जी हाँ दोस्तों, मिश्रा जी ने भी आज कड़ी बहस की है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है देखिए, इरशाद सर जस्ट आपका क्वेश्चन आता है, आपका क्या कहना है कि शिक्षा मित्र के लिए पोस्ट रिजर्व कर दूं। तो फिर दोस्तों क्या होता है आइए देखते हैं कि दोस्तों कोई चार्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, एकेडमिक का इरशाद सर ने कहा कि आपको वेटेज भी तो मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वेटेज की बात होने लगी, मतलब वेटेज का वही 25 अंक का भारांक। तो दोस्तों ये भारांक वर्सेस ये सब मामला चल रहा था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सब्जेक्टिव आसान ऑब्जेक्टिव कठिन बताने में जुटे मिश्रा जी। तो दोस्तों उन्होंने ये कहा कि जो पिछली बार आपका पेपर हुआ था वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान थे, और जो इस बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए हैं इस बार ये कठिन है। तो दोस्तों ऐसा डिस्कशन हो रहा था इस समय तक कोर्ट में। फिर दोस्तों क्या होता है उसके बाद कि डिफरेंस समझा रहे हैं मिश्रा जी, दोनों एग्जाम का सिंगल बेंच की तरह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस बातें चल रही थी कोर्ट में। फिर दोस्तों क्या होता है कि उम्र और भारांक में छूट की बात की गई थी, कटाप पर नहीं जज साहब। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात कही जज साहब ने कि उम्र की में दोस्तों छूट दी गई शिक्षा मित्रों को, भारांक मिला, लेकिन दोस्तों कटाप पर ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया था कि शिक्षा मित्रों को मिलेगा या नहीं। तो मतलब दोस्तों आज की ये सब बड़ी अपडेट्स आप देख रहे होंगे। उसके बाद क्या होता है, पंकज सर ने कहा जल्दी फिनिश करें। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपके दूसरे जज साहब ने कहा भैया आप जल्दी फिनिश करो। फिर क्या होता है, पिछला कटाप उसी भर्ती के लिए मान्यता, इरशाद सर ने यही कहा। फिर दोस्तों होता है कि आपका बीएड कैंडिडेट इंक्रीज द नंबर ऑफ कैंडिडेट द एक्सेप्ट इन इज अपील। तो दोस्तों थोड़ी इंग्लिश में बात की गई। उसके बाद होता है पंकज सर ने क्रॉस किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो दिया, तो कटाप से क्या दिक्कत। तो फिर से एक बार मामला फंस गया दोस्तों। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आज कितनी तीखी बहस वहां चल रही थी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतलब उन्होंने क्या कहा था, भारांक को लेकर कहा था ना, तो वो दिया तो कटाप से फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको, कि जो 60-65 लगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना, कटाप का मतलब 60-65 को लेकर ही बात हो रही थी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 20वां संशोधन दिखाते हुए इस संशोधन के हिसाब से बीएड है ही नहीं, इसका मतलब संख्या फर्जी है जिसको हम पर थोपा गया है। समझ रहे दोस्तों, मतलब 20वां संशोधन दिखा रहे हैं और उसमें बीएड तो है ही नहीं, ऐसी बात कही जा रही थी उस समय तक। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या अपडेट आती है उसको देखते हैं। उसके बाद हुआ कुछ यूं, 3 लाख बीएड के लोगों के आने से संख्या बढ़ गई जो मानक में नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये भी अपडेट्स बड़ी थी। उसके बाद क्या होता है, वही सब्जेक्टिव आसान ऑब्जेक्टिव कठिन बताने में जुटे थे मिश्रा जी, कि भाई जो ऑब्जेक्टिव आपका पेपर हुआ है वो ज्यादा कठिन है, सब्जेक्टिव पेपर होता तो वो ज्यादा आसान होता।
फिर दोस्तों क्या होता है, मिश्रा जी फिर भट्ट के 20वें संशोधन पर, बीएड है ही नहीं ऐसा कुछ, तो दोस्तों फिर 20वां संशोधन दिखाते हुए, फिर दोस्तों क्या होता है, इस संशोधन के हिसाब से बीएड है ही नहीं, इसका संख्या ये तो फर्जी है जो हम पर थोपा जा रहा है, ठीक है ना। फिर दोस्तों क्या होता है आपका, इरशाद सर के सवाल आज रुक ही नहीं रहे हैं। फिर दोस्तों होता है कि बोलते हैं इरशाद सर की ट्राई टू अंडरस्टैंड मिश्रा जी, समझने की कोशिश करिए। फिर दोस्तों क्या होता है, टीचर और ट्रेनी टीचर का सहारा लेकर बीएड को घेर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अपडेट आ चुकी है। फिर उसके बाद क्या होता है, इरशाद सर टू मिश्रा, तो आपको क्या, तो आपका क्या जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो कुछ होता है ना कि अगर आपसे कोई कहे कि आपका क्या जाता है, समझ रहे, तो क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है हमारा, कि आप क्या कहना चाहते हो कि बीएड इलिजिबल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मतलब बीएड इलिजिबल ही नहीं, मतलब क्राइटेरिया में ही नहीं आता, ऐसा इरशाद सर ने पूछा। तो जस्ट साहब के आप देख रहे हैं ना दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि जस्ट साहब के आज कड़े रुख देखने को मिले हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इरशाद सर ने पूछा, क्या बीएड कैंडिडेट अप्लाई करने के काबिल नहीं है क्या, ये बताइए आप, कि जो बीएड के बच्चे हैं वो अप्लाई करने के लिए मतलब काबिल है या नहीं है। फिर दोस्तों क्या बात होती है, बीएड संशोधन के मुद्दे पर इरशाद सर ने कहा, द गवर्नमेंट हैज पावर टू साइज द रूल्स एट एनी स्टेज। मिश्रा जी, इरशाद सर ने पूछा, ठीक है दोस्तों, इरशाद सर ने आपका मिश्रा जी से पूछा, क्या बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर दोस्तों इरशाद सर ने एक बड़ी बात की, क्या कही पता है, इज दिस योर सबमिशन डेट बीएड इज नॉट वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो मतलब कहा कि यार ये आपका सबमिशन है कि बीएड इसके लिए वैलिड नहीं है। फिर दोस्तों मिश्रा सर तुरंत बोलते हैं, नो सर नो सर नो सर, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोस्तों मिश्रा सर जी का जवाब, बीएड वाले असिस्टेंट टीचर के लिए ना अप्लाई करके वो ट्रेनी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, वो बोल रहे थे जो आप लोग का प्राइमरी लेवल के टीचर हैं उसकी बात हो रही थी। फिर दोस्तों क्या होता है, मिश्रा जी कह रहे हैं कोर्ट सुनवाई के दौरान सरकार ने 3 संशोधन कर दिए। क्या कहा, फिर से ध्यान से सुनिए, मिश्रा जी ने कह रहे हैं कि कोर्ट सुनवाई के दौरान सरकार ने 3 संशोधन कर दिए जो कि गलत है। फिर क्या होता दोस्तों आपका, 69,000 मामला पासिंग मार्क को छोड़कर सब पर बहस कर रहे हैं मिश्रा जी। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं, मामला को घुमाई जा रही है, बातें घूम रही है इधर उधर। फिर क्या होता है कि समय कम कर दिया गया था, क्वेश्चन ज्यादा थे। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पेपर था वो 2.5 घंटे का हुआ और प्रश्न ज्यादा थे, तो यह कौन सा तर्क हुआ कि टेट में भी तो ऐसा ही होता है, टेट कितने घंटे का होता है, फिर ये बात आती है। फिर दोस्तों बेसिक नियमावली के अनुसार अध्यापक बनने की योग्यता की बात कोर्ट को समझा रहे हैं। फिर दोस्तों आते मैटर आपका आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अमेंडमेंट, ठीक है दोस्तों, आफ्टर ब्रिज कोर्स दे बिकम टीचर वन डायरेक्ट टीचर। फिर दोस्तों वही ट्रेनिंग टीचर 6 मंथ स्पेशल ओवर ब्रिज कोर्स। फिर दोस्तों इरशाद सर 6 माह का ब्रिज कोर्स अमेंडमेंट में लिखा है नियुक्ति के बाद, ठीक है दोस्तों, कब होगा, नियुक्ति के बाद। इरशाद सर के सवाल नहीं रुकने वाले हैं, मिश्रा सर जी की बातों से जज साहब सहमत नहीं हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है कि इरशाद सर आपके जज साहब मतलब इससे सहमत नहीं हो पा रहे। तो मतलब दोस्तों ऐसा हम कह सकते हैं कि क्या 40-45 का पक्ष कमजोर होता हुआ यहाँ दिख रहा था उस समय। फिर दोस्तों क्या होता है, देखते हैं कि मिश्रा सर ने क्या किया। फिर देखिए दोस्तों, उसके बाद बात होती है कि पिछला कट ऑफ उसी भर्ती के लिए था। देखिए दोस्तों, बात यही वाली हो रही थी ना कि अगर 68,500 शिक्षक भर्ती, जी हाँ दोस्तों, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, कि अगर 68,500 शिक्षक भर्ती को पार्ट 2 हम बता दें, किसकी पार्ट 2 है 69,000 शिक्षक भर्ती, तो डेफिनेटली दोस्तों जो 40-45 कट ऑफ होगी वो 69,000 पर लागू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि इस बार सुनवाई के दौरान 2019 में डबल बेंच में जब भी 260-265 की टीम उतरी थी, उन्होंने दोस्तों ये साबित करने में पूरी, भाई उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी टीम ने कोशिश की कि कैसे ना कैसे 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती को हम अलग अलग साबित कर सके। तो दोस्तों काफी ज्यादा कोशिश की गई है। तो अगर आप सोचते हैं कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच में अगर पार्ट 1 पार्ट 2 अगर एक ही करना है, तो भाई मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी 40-45 टीम को। अब दोस्तों जानते हैं उसके बाद आखिर क्या हुआ था। फिर देखिए उसके बाद दोस्तों मैसेज आ जाता है कि बीएड सेफ है, सुरक्षित है, स्टेट के पास पावर होता है अमेंडमेंट को पुरानी डेट से लागू करने का, इरशाद सर ने ऐसा कहा जज साहब ने। फिर बीएड को ट्रेनी टीचर प्रूव करने में मिश्रा जी लगे हैं अभी भी। फिर दोस्तों तब तक आपको अगली तारीख सुनवाई की मिल जाती है 28 नवंबर 2019, मतलब दोस्तों कल ही इसी समय से आपकी सुनवाई शुरू हो जाएगी, मतलब दोपहर में 3 बजे के आसपास। तो दोस्तों कल भी आप लोग हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। लेकिन आज की सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है इसको समझते हैं हम लोग पहले, कि आखिर हुआ क्या है शुरू से लेकर अंत तक।
आपके मन में काफी कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आज किसका पलड़ा था भारी। देखिए दोस्तों, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये बिल्कुल सुनवाई का दौर है, मतलब नहीं होता कि बिल्कुल शुरुआती दौर एक तरह से। अभी दोस्तों कुछ भी कहना मतलब ये हमारी जल्दबाजी होगी कि 40-45 या 60-65 की टीम कोई भी कमजोर नजर आ रहा है या किसी की मजबूती स्थिति है। देखिए दोस्तों, आपके जो 40-45 टीम थी, ये सभी को पता था कि कुछ ऐसे ही तर्क वितर्क होंगे। आपको भी पता था, हमें भी पता था कि दोस्तों यही बात साबित करने की कोशिश की जाएगी कि 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, ठीक, दोनों एक ही है। मतलब दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती पार्ट वन थी, तो 69,000 ये पार्ट टू थी। ये बात हमें पहले से पता था, इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो अगर 40-45 की टीम ऐसी कोशिश कर रही है दोस्तों, तो ये बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है इनकी तरफ से। मतलब ये ऐसा करने ही वाले थे, हमें तो पहले से मतलब एक अंदाजा था और वही कोशिश हो रही है। लेकिन दोस्तों जो दूसरी बात आप देख रहे हैं, बीएड को लेकर काफी चर्चा की जा रही है कि बीएड बाहर होना चाहिए, बीएड नहीं होना चाहिए, बीएड पर काफी सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, बीएड से हमें, हम बता दें फिर से, कोई मतलब नहीं बीएड से, और बीएड ना तो बाहर होगा ना तो कुछ होगा, खाली बातें होती रहेंगी कि सुनवाई कैसे दोस्तों बढ़ाई जाए। देखिए इनको क्या है ना, जो 40-45 टीम है, इनको दोस्तों खाली बातों को उलझाना है, क्योंकि ये पहले ही जीत चुके हैं सिंगल बेंच में, इनके पास एक मोमेंटम है, इनके पास एक एडवांटेज है। तो दोस्तों होता है ना कुछ खेल में कैसे समय व्यतीत किया जाए, लेकिन देखिए आप घूम फिर कर बात कहां पर आकर फंसेगी पता है? बात दोस्तों आकर यहां पर फंसेगी कि 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 और 1,00,000 शिक्षा, 37,000 शिक्षा मित्रों को जो समायोजन, सब कुछ दोस्तों ये सब मिलकर बातें आकर फंसेंगी। अब दोस्तों अगली सुनवाई जो होगी हमारी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो कल की होगी, क्योंकि दोस्तों देखेंगे जब इनका फाइनल सबमिशन होगा मिश्रा जी का, तो देखते हैं वो क्या करते हैं और क्या बोलते हैं कि लास्ट में फाइनल सबमिशन के दौरान वो क्या कहते हैं। दोस्तों सच में आपकी सुनवाई बहुत ही जोरदार चल रही है और अभी तक हम लोग कुछ भी नतीजे पर नहीं आ रहे कि आखिर किसकी जीत होगी। आपने दोस्तों इस सुनवाई के दौरान देखा कि यार कितने प्रहार बीएड पर किए गए, भारांग की बात तो दोस्तों कैसे बचे, लेकिन जैसा आप भी लगातार क्रॉस क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों देखिए क्रॉस क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी पक्ष का या कोई पक्ष हम कहते ये कमजोर हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं तो वो अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। देखिए अगर सिंपल सी बात, एक बात समझ लीजिए, अगर आपसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप उस क्वेश्चन को उत्तर कर देते हैं तो जस्ट आप उससे ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, संतुष्ट ज्यादा हो जाएंगे। ये बड़ी भी अपडेट है आप लोगों के लिए, इसको भी समझना है। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब ये मत समझिए दोस्तों कि इनका पक्ष कमजोर हो रहा है, अगर ये उनके बातों का उत्तर ना दे पाते तो हम कह सकते हैं कि इनका पक्ष कमजोर हो रहा है, लेकिन जब तक वो उसका उत्तर दे रहे थे तब तक दोस्तों इनका पक्ष किसी भी तरह से कमजोर नहीं हो रहा है। तो कल की जो सुनवाई होगी, जो इनका सबमिशन होगा, उस समय दोस्तों हम डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर उन्होंने सबमिशन करते समय कौन सी बातें कही। क्या जैसे उन्होंने कहा था कि बीएड को बाहर हो, ये सब ऐसा आर्गुमेंट, ये सही है कि जो फाइनल कट ऑफ को लेकर बातें वो सही है। तो दोस्तों कल मिलेंगे फाइनल कट ऑफ के साथ हम लोग, की फाइनल कट ऑफ आखिर होगी क्या। लेकिन दोस्तों आज की सुनवाई के साथ हम फिर से कहेंगे, किसी का पक्ष ना तो कमजोर हुआ है ना तो किसी का पक्ष मजबूत हुआ है, केस बराबरी पर है, दोनों टीम तैयार रहे। कल मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, तभी दोस्तों कल हम लोग पूरी सुनवाई देख पाएंगे। किसी पक्ष को निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दोनों सुनवाई बराबरी पर है, कोई पक्ष कमजोर नहीं है। अगर ऐसी कहीं भी सोशल मीडिया पर अफवाह है तो उससे सावधान रहे कि कोई पक्ष कमजोर हुआ। जैसा आपका क्वेश्चन पूछने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि भाई इनका टीम कमजोर हो रही है, अगर जस्ट आपको ये सेटिस्फाइड ना कर पाए, ना कर पाते, तो दोस्तों हम जरूर कहते कि हाँ अब 40-45 की टीम कमजोर हो रही है। लेकिन दोस्तों फिर से हम बोलेंगे मोमेंटम इन्हीं के पास है। अब कल की सुनवाई बहुत ही रोचक होगी, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट। वीडियो को दोस्तों हर एक ग्रुप तक पहुंचा दीजिए, वायरल कर दो, शेयर कर दो, फिर मिलते हैं कल।